हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का तो आप सभी कैसे हैं आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे तो फ्रेंड्स मैं भी स्वस्थ हूं और आज जो है हमारा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर जो है मैं अपने चूल्हे की जो है लिपाई कर रही हूँ फ्रेंड्स तो मैं चिकनी मिट्टी से ही पुताई कर रही हूँ फ्रेंड्स और हर रोज़ जो है चिकनी मिट्टी से ही पुताई किया करती हूँ फ्रेंड्स तो बने रहिएगा फ्रेंड्स ब्लॉग के एंड तक और आज जो है मैं आप लोगों को चिकनी मिट्टी से दीवार की भी पुताई जो है वो दिखाऊंगी फ्रेंड्स क्योंकि बारिश आई थी तो आप लोगों को दिखाई थी कि बहुत ज़्यादा जो है हमारा दीवार जो है वो गंदे हो गए हैं तो आज हमने उसका भी साफ सफाई करेंगे फ्रेंड्स तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप लोगों को दिखाऊंगी और कैसा लगता है आप लोग वो भी बताइएगा और मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चूल्हे की जो है लिपाई हो चुकी थी उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए तो घर का हमारा झाड़ू हो चुका था आंगन की बाकी रह गए थे और बरंदे की तो बरंदे का झाड़ू लगाने के बाद फ्रेंड्स जो है मैं आंगन की भी लगाऊंगी फ्रेंड्स और इधर जो है हमारा आग जो है वो जल रहा है तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है धुआं निकलता है फ्रेंड्स अगर इसी आग को घर पर जलाएँ तो घर पर पूरे धुआं जो है वो भर जाता है इसीलिए बाहर में अच्छा लगता है हमें पकाना और आग जलाना तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा झाड़ू भी हो चुका है उसके बाद देखिए हमारा मुर्गियाँ जो है वो बाहर निकल रहे हैं फ्रेंड्स आज झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं निकाल रही हूँ मुर्गियों को बाहर और इधर देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है आग जल रहा है और सूर्य जो है वो निकल रहे हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा लग रहा है निकलते हुए देखिए और नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा है सूर्य का जो है प्रकाश पड़ रहा है वो तो, उसके बाद में हम यहाँ पर आ गए थे फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी है उसको भिंगोने के लिए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों भिंगा रही हूँ मैंने तो चूल्हे का जो है पुताई कर लिया था फिर भी इसे भिंगो रही हूँ क्योंकि हमें जो है दीवार के करना है फ्रेंड्स तो इसीलिए मैं इसको भिंगोने के लिए आ गई हूँ और थोड़ा बड़ा बड़ा था इसलिए इसको पूरा का पूरा मैंने फोड़ लिया है फ्रेंड्स छोटी छोटी भागों में तो देखिए मैं इस तरीके से इसको ना पूरी तरह से भिंगो दूंगी और अभी जो है फ्रेंड्स घर का सारा काम करने के लिए बाकी ही रह गया है खाना वगैरह पकाने के लिए तब तक जो है ये मतलब फूलेगा अच्छे से तो इसको छोड़ दूंगी इसमें भिंगो करके और यहाँ पर जो है हमारे छोटी के पापा जी काटने लगे थे बगरेड़ी का पेड़ जिसको गांव वाले बोलते हैं रेड़ी का पेड़ तो ए फ्रेंड्स क्या बोलते हैं जब हवा चली थी बारिश आई थी उस टाइम पे ना गिरने वाला था लेकिन जो है ना मीटर वाला तार है उसी पे गिर रहा था तो शायद हम लोगों के लिए प्रॉब्लम भी नहीं हो नहीं सकता नहीं था अगर उस तार पे गिर जाता तो इसीलिए गिरने से पहले ही इसको काट दिए थे उखड़ जा रहे थे उसके आधे जड़ जो है ना वो उखड़ चुके थे इसीलिए उसके पापा जी आज इसको काट करके हटा दिए और देख सकते हैं यहाँ पर उसका जेड़ जो है आधा उखड़ चुका है और आधा बाकी था उधर देखिए तार जो ऊपर में है उसी में लटका हुआ था इसीलिए इसको काट दिए हम लोग नहीं तो पेड़ पौधा रहते रहते हैं ना घर के अगल बगल तो बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ा शुद्ध हवा भी मिलता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए बच्चे लोग थे और क्या बोलते हैं उनके चाचा जी भी थे यहाँ पर तो बच्चों के लिए आम भी वो मतलब काट दे रहे थे सुबह सुबह हमारी छोटी जो है ना वो आम खाने को जिद कर रही थी तो काट दे रहे थे और उसके पापा जी देखिए पूरा काट ही लिए पेड़ को उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पस में आ गई थी अपने किचन पे तो हमारा जो है फ्रेंड्स खाना तो पक चुका था और दाल भी देख सकते हैं कुकर में तो जो है दाल को ही मैंने इसमें मतलब वो चीज़ करूँगी तो टमाटर ले ली हूँ और इसमें जो है तड़का वगैरह लगा ली हूँ फ्रेंड्स तो हमारा टमाटर भी पूरी तरह से गिल्ला जो है हो चुका है तो मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी तो नहीं दिखा रही हूँ कुछ भी क्योंकि फ्रेंड्स आज थोड़ा सा ना हमें कहीं जाना है तो थोड़ी सी और भी जल्दी जल्दी जल्द आज मैं निपटा रही हूँ काम को तो देखिए इस तरीके से जो है मैं अपनी दाल की जो है फ्राई कर दे रही हूँ फ्रेंड्स और ये दाल जो है ना अरहर दाल है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पका रखी हूँ फ्रेंड्स और इसमें जो है चावल है उसके बाद में फ्रेंड्स जो मिट्टी मैंने भिंगोई थी उसको देखिए अच्छे से फूल चुका है और इसको ना मैं अच्छे से मिलाऊंगी अभी दोनों हाथ से इसको अच्छे से मसल दूंगी बढ़िया से फूला है फूलने के लिए लेकिन जो है इसको थोड़ा सा भी घोल बनाना पड़ेगा तभी जा करके लिपाई करने को बनेगा तो दोनों हाथों से इसको मैं अच्छे से मसल दे रही हूँ फ्रेंड्स मिट्टी को उसके बाद में जो है ना बाल्टिंग भी करके ले जाऊँगी क्योंकि इसमें जो है उधर से इधर पकड़ करके ले जाने आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है गंज में इसीलिए जो है मैं बाल्टी में कर दी फ्रेंड्स और ले करके के चलती हूँ अंदर पे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा गंदे हैं बारिश की वजह से और ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद है उसको लिपाई नहीं करूँगी चिकनी मिट्टी से सिर्फ़ जितना से मैंने रंग रंग से लिपाई किए हैं ना बिल्कुल उतना ही से करेंगे तो सबसे पहले यहाँ का मैं झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद में ही करूँगी फ्रेंड्स क्योंकि हवा चले थे बारिश हुई थी तो थोड़ा बहुत जो है गर्दे वगैरह हो गए हैं यहाँ पर जाला माटा तो उसी को जो है थोड़ा सा झाड़ लेते हैं उसके बाद में आज हम लोग फ्रेंड्स फिर से माँ बेटी मिल के लिपाई करने वाले हैं उसको लाख मना करने पर भी नहीं सुनती मन करता है तो लिपाई भी करती है छपाई भी करती है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा नहीं क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा शौक़ लग जाता है कुछ करने के लिए करते रहते हैं उस टाइम पे तो उसकी भी जिद जो है मैं पूरी कर देती हूँ करने देती हूँ थोड़ा सा जब तक मन करता है तब तक उसके बाद में नहीं करती है करने को तो दिन भर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं झाड़ू भी लगा चुकी थी ऊपर का और नीचे का थोड़ा थोड़ा झाड़ दे रही हूँ जहाँ पे हमें लग रहे थे कि ज़्यादा ही डस्ट है वहाँ का उसके बाद यहाँ पे आ गए थे लिपाई करने के लिए तो अकेले में थोड़ा सा उठना बैठना उठना बैठना बार बार झुक करके ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो जो है ना बड़ी लड़की को मैंने बोला थोड़ा सा मतलब दे देना पानी को तो मतलब हमारी सही आता करती है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है समझदार है भले ही छोटी है देखने में लेकिन समझदार है तो हमारा हेल्प जो है वो कर रही है फ्रेंड्स लेकिन ना ऐसे ही हेल्प करते करते उनको मतलब लिपाई करने की जो है शौक़ हो जाता है और करती है फ्रेंड्स नहीं तो जब नहीं करती है तब तो नहीं ही करती है लेकिन जब मन करता है तब वो मतलब उसके जिद के आगे कुछ भी नहीं बोलने पर भी ना सुनती है तो देखिए इस तरीके से हम लोग पुताई करेंगे फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी से और क्या बोलते हैं चिकनी मिट्टी बोलें या फिर पोतनी मिट्टी एक ही होता है लेकिन कहीं कहीं पे पोतनी मिट्टी का थोड़ी सी कलर जो है वो अलग मिलती है तो यहाँ पसना फ्रेंड्स जो पीला कलर की हम लोग पुताई किए थे वो थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब फोकस आ रहे थे और आसमानी कलर तो इसको इसीलिए हम लोग दो बार से पुताई करेंगे क्योंकि जो कलर है वो मतलब छुप जाए ऐसे करके तो पहले चिकनी मिट्टी से कर दे रहे हैं और एक फ्रेंड्स की भी हमें कमेंट्स आया था कि चिकनी मिट्टी से जो है घर की दीवार को क्लीन कर दीजिए मतलब पुताई कर दीजिए ऐसे करके तो मैं सोची क्यों ना कर देते हैं उसके बाद में जो है सफ़ेद मिट्टी से करेंगी तो जब ये सूख जाएगा फ्रेंड्स तो आप लोगों को अगले ब्लॉग में भी मिलेगा देखने को कि हम लोग किस तरीके से इस दीवार को भी सजाया करते हैं और किस तरीके से मैं अच्छे से इसको क्लैन करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी फ्रेंड्स तो आप लोग अगले ब्लॉग की भी इंतज़ार कीजिए और जल्द ही ले करके आऊँगी आप लोगों के लिए तो देखिए अभी जो है हमारी बड़ी लड़की भी आ गई है फ्रेंड्स पुताई करने के लिए उसका मन है पुताई करने का तो कर रही है जब तक मन होता है तब तक करती है नहीं तो नहीं करती है फ्रेंड्स बस थोड़ी सी बच्चों का क्या है थोड़ा सा शौक़ हो जाती है कुछ भी करने को तो उसको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि नाराज़ हो जाते बच्चे बहुत जल्दी इसीलिए देखिए कैसे कर रही है और फ्रेंड्स आज जो है ना मैं इस पुताई को ना बिना दतवन किए जो है हम लोग कर रहे हैं माँ बेटी उतना तक कि हमारी बड़ी बेटी भी बर्श नहीं की थी और खाना भी नहीं खाए थे लगभग फ्रेंड्स आठ बज कर के तीस चालीस ऐसे हो रहे थे टाइम और हम लोग ना इतने जल्दी जो है क्यों कर रहे थे लिपाई क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताई भी थी एक ब्लॉग में कि दीदी और मम्मी का जो है तबीयत सही नहीं है तो उन्हीं को देखने के लिए जाना है तो हम सोचे क्यों ना फटाफट से आज काम निपटा लेते हैं फ्रेंड्स और आज जो है ना इतना सारा काम निपटाने के लिए हमें बिल्कुल पाँच बजे ही उठना पड़ा था फ्रेंड्स बिल्कुल पाँच बजे तब जा कर के जो है सारा काम मैंने मैनेज हो पाया है फ्रेंड्स और आप लोगों तक भी मैंने शेयर किया है जो कि इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह में और भी कहीं जाना आना हो तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो हमारी मम्मी जो है मतलब आप लोगों को बताई भी थी कि जीजा के घर पे लाए हुए हैं उसको तो वही है फ्रेंड्स मम्मी भी तो दोनों साथ में ही है दीदी भी है मम्मी भी है तो हम लोग वहीं जाएंगे दीदी के घर पे देखने के लिए कि उनका तबीयत जो है वो कैसा है इसीलिए आज जो है बिना खाना पीना खाए बिना बर्श किए जो है लगे हुए हैं हम लोग इसको सफाई करने में क्योंकि फ्रेंड्स हमें आप लोगों तक भी ब्लॉग जो है वो पहुँचानी होती है कहना चाहिए तो हमारा जो है डबल ड्यूटी है आप लोगों के लिए भी वीडियो लाना और घर की भी सारी जिम्मेदारी तो हमें दोनों का फर्ज जो है वो निभाना पड़ता है तो हम किसी तरह जो है मैनेज कर लेते हैं अपना समय निकालते हैं कि हमें किस टाइम पे उठना चाहिए और कितने बजे से हमें काम स्टार्ट करना चाहिए जो कि हमारा कंप्लीट हो जाए ऐसे हम पहले ही सोच करके रखा करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो कि लेट हो जाता है नहीं तो हम टाइम पर सारा काम जो है वो मतलब निपटा लेते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा बल्ब जो है कितना जल रहा है बहुत थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसी वजह से जो है ना थोड़ा अंधकार अंधकार भी दिखता है फ्रेंड्स क्योंकि लाइट ढंग से है नहीं पूरे गांव में ऐसे ही है मतलब ठीक से लाइट नहीं है पता नहीं क्यों वो तो हम नहीं बता सकते फ्रेंड्स या फिर गांव में कुछ प्रॉब्लम है या फिर जहां से लाइट आया हुआ है वहां से प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आती सिर्फ़ रात में अच्छे से होता है वो भी नहीं कटता है तब अगर कट जाता है तो पूरे रात हम लोगों को ऐसे ही गुजारनी पड़ जाती बिना लाइट के और बिना पंखे कूलर के सोना पड़ जाता है और रहता है तो रात के बारह एक बजे से लेकर के चार बजे तक ना बहुत अच्छे से लाइट रहता है पूरा का पूरा जो है फुल रहता है उस टाइम पे ना हमें ऐसे लगता है काश ऐसे ही सुबह टाइम पे भी रहता तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उजाला उजाला पे दिखा पाती घर का ब्लॉग ऐसे लगता है लेकिन जो है नहीं रहता है सुबह होते ही गायब हो जाती है चार बजता है वैसे ही मतलब लाइट जो है वो पूरी तरह से डीम हो जाती है थोड़ी थोड़ी जलती है फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी से बातें करते जो है हमारा लिपाई भी कंप्लीट होने वाला है पूरी तरह से और देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है धुंधला दिख रहा है वैसे तो कैमरे का भी टॉर्च मैंने जला रखी थी फिर भी से जो है धुंधली नजर आ रही है और आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और हमारा लिपाई देखिए फ्रेंड्स हो चुकी है और फुल लुक कुछ इस तरीके से उसके बाद में फ्रेंड्स हो गई थी लगभग दस बज गए थे और हम जो है नहा धोवा करके आ गए थे और यहाँ पर मैं बच्चों को जो है तैयार करने में लगी हुई थी देख सकते हैं आप लोग क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूप हो जाते हैं और दस बजे भी धूप बहुत अधिक हो जाते हैं लेकिन जाना था तो फिर क्या करें जल्दी जल्दी पूरा काम जो है वो निपटा रही थी फिर भी से लेट हो गया फ्रेंड्स और लेट हो जाने के कारण जो है कभी कभी दो बातें भी सुननी पड़ जाती है फिर भी से सहन करते हैं हम क्योंकि लेट कर ही देते हैं तो बोलते हैं तो सुनना भी पड़ता है उसके बाद में यहाँ पर दोनों बच्चों को मैं जो है काजल लगाने लगी थी फ्रेंड्स और धूप इतना ज़्यादा निकल गए थे कि क्या ही बताएं फिर भी से जाना हम लोगों को ज़रूरी हो गया था क्योंकि दुख सुख में अगर एक दूसरे का साथ ना दें तो रिश्तेदारों का कोई मतलब नहीं होता है इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके थे ये देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा धूप था और हमारी छोटी को छुपा कर रखी हुई थी मैं दुपट्टे से तो देखिए रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरीके से है तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं से मैं समाप्त करती हूँ और मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय फ्रेंड्स